भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को निपटा देंगे। बाढ़ नियंत्रण विभाग डिवीजन के अधिकारी अपनी जेबें लगे भरने में। आप सरकार के दावों की खुली पोल, सरेआम उड़ाई जा रही है धजिया। भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को निपटा देंगे, हमारे राज्य में दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी। ऐसे दावे और वादे करते हुए दिल्ली में आपकी सरकार आई। सरकार क्या बदली, विकास की बातें होने लगी, पर विकास किसका, आपका या अधिकारियों का, आम जनता का या नेताओं का, दिल्ली का या फिर अधिकारियों के बैंक बैलेंस का सवाल। इसलिए क्योंकि जिस आम जन की विकास की बातें करते हुए दिल्ली में आप सरकार सत्ता में आए, दिल्ली के फर्जी की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। केजरीवाल नायक वाली भूमिका में आए थे। आज हम इसकी सरकार के अंदर विभागों में बैठे खलनायकों से आपको मिलवाते हैं। एक नहीं कई हैं और इनकी भ्रष्टाचार की कहानी इतनी सुपर हिट है कि फिल्म ही बन जाए। जी हाँ, KGF मूवी में जितने विलन नहीं है उससे कई ज्यादा विलन तो बाढ़ नियंत्रण विभाग डिवीजन 7 के अंदर बैठे हैं। एक से एक खलीफा तैयार है आपका हक मारने के लिए, जनता के पैसों को दीमक की तरह चाटने के लिए। बात नरेला विधानसभा की हो रही है। विकास कार्य फिरकपुर गांव खेड़ा कला में हुए विकास कार्यों में एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें काम 30% हुआ और पेमेंट 50% हो चुकी है। अब इस कार्य की हकीकत भी देख लीजिए। कागजों में जब इस कार्य को आप देखेंगे तो लगेगा वाकई कार्य तो वर्ल्ड क्लास लेवल पर हो रहा है। दिल्ली की सड़कें तो अब लंदन जैसी बन जाएंगी, पर कागजों से बाहर निकलकर हकीकत देखने तो आपको कुछ और ही नज़ारा दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ों कागजों में लिखी हुई है वो आपको दिखाई नहीं देगी। विभाग के अधिकारियों नालों के अपने पानी से भी ज़्यादा गंदगी मन में लिए फिरते हैं। अधिकारी सिर्फ अपनी ऊपरी कमाई में लगे हुए हैं। जी हाँ, कागजों के अनुसार जब इस कार्य में इस्तेमाल होने वाले मसाले, ईट, रोड़ी, बदरपुर सीमेंट RMC कंपनी से मंगवाना होता है तो वहाँ उचित मात्रा में सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, रेती डाली जाती है। यहाँ अधिकारी ही सर्वोपरि है, इसलिए मसाला हाथों हाथ तैयार हो जाता है। इसके बाद बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी RPC रोड। RPC ट्रेन में फरिये के जिसके भरोसे कोई भी ढांचा टिका रहता है, पर यहाँ सरकारी ढांचे में तो लोहे का ढांचा भी किसी काम का नहीं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों ने इस लोहे के जाल में भी इतने झोल कर रखे हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरे कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली बजरी से लेकर लोहे तक के मुनाफे कमा रहे ये अधिकारी अपनी बैलेंस शीट भरने में लगे हुए हैं। कुछ कार्यों के टेंडर हुए, बिल पास हुए, मगर जमीन पर काम नहीं हुआ। और कमाल तो ये भी है कि इससे पूरे कार्य में ऊपर से नीचे तक पूरा महकमा लगा हुआ है, इसलिए किसी को कानो कान खबर तक नहीं रही।